लॉजिक बता रहे हैं आखिर अंकित सर ने, अंकित चौधरी सर ने TWA नाम क्यों रखा। सोलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हालांकि ये वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं टीचर्स लोग हैं, एजुकेशन फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो आते हैं सीधे टॉपिक पे। आप सभी को पता है कि रिसेंटली RAW से, पिछली वीडियो में हमने RAW बोल दिया था, लोग कमेंट में एकदम हंगामा कर दिए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि बहुत लोग नेगेटिव भी कमेंट किए हैं, बट एनीवेज उन लोगों का लैंग्वेज है, जैसा लैंग्वेज है वो लोग यूज़ करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, RWA रोजगार वित्त अंकित, एंड आप सभी को पता है TWA ये भी चैनल है, जो कि अंकित चौधरी सर जब से RWA से लेफ्ट लिए हैं, तो अपना वो चैनल टारगेट विद अंकित के नाम से चला रहे हैं। अभी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सच बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड जो भी टारगेट विद अंकित और रोजगार विद अंकित के वीडियोस देखते हैं, वो तो मोस्टली इस वीडियो को कंप्लीट ही वॉच करेंगे। यदि आप इस वीडियो को बीच से छोड़ के जाते हैं, तो बहुत कुछ आप मिस करेंगे, सच बता रहे हैं। फर्स्ट आप सभी को बता दे रहे हैं, आप सर्च करिएगा रोजगार विद अंकित, किसी भी वीडियो को वॉच करिएगा, किसी भी वीडियो को, ठीक है। लॉजिक बता रहे हैं आखिर अंकित सर ने, ऐसा दिखाई अंकित देता है चौधरी कि सर यह ने कुछ नहीं दिखाई देता। TWA नाम क्यों रखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी बता रहे हैं उनका चैनल कभी डेड नहीं होगा। हालांकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं एजुकेशन में जो कि डेड होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अच्छे खासे मुकाम पर जाने के बाद ही बहुत सारे चैनल हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि कोई भी बंदा एक चैनल पर डेड नहीं करता है। हालांकि हर चैनल को जानता है, कुछ कुछ वीडियोज देखता है, बट एक अपना तो चैनल जो भी है वो तो देखता ही है। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मल्टीपल चैनल पर विजिट करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। बट हम आपको बता दें कि बहुत ही सीक्रेट है TWA एंड RWA में, ध्यान से देखिएगा। आप कभी रोजगार विद अंकित लिखिएगा यूट्यूब चैनल पे, किसी भी वीडियो को वॉच करिएगा, या फिर आप रोजगार विद अंकित सर्च करके आप नीचे की वीडियोस को देखिएगा, उसमें TWA यानी कि टारगेट विद ऐसा अंकित की दिखाई देता वीडियोस है कि यह आएंगे। कुछ नहीं अब दिखाई हम ये देता। क्यों बता रहे हैं, आगे आप सभी को जानने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसमें क्या है कि सजेशंस में वीडियोस चलते हाउ हैं, कैन ठीक है, वन ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। हालांकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नॉलेज जो भी स्टडी करते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, बट आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। सजेशंस में वीडियो चलेंगे, हमेशा वो चीज़ चलेंगे, क्योंकि रोजगार विद अंकित के साथ भी अंकित लगा है, एंड टारगेट विद अंकित के साथ भी अंकित लगा है, ठीक है। और देखिए, जब भी कोई ट्रेंड चलता है, ट्रेंड जो भी न्यूज़ होता है ट्रेंडिंग, उसी टॉपिक पे वीडियोस क्यों बनाते हैं लोग, क्योंकि वो सर्चेबल है। यदि कोई भी उस टॉपिक पे वीडियोस को देख रहा है, तो वो सजेशंस में, सर्च में, एंड हर जगह वो वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब के एजुकेशन के फील्ड में आप सभी को पता है कौन सा चैनल अभी बेस्ट चल रहा है, ठीक है। हालांकि उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, उसमें बोलने में कोई भी वो दूर रहा नहीं है, ना ही मैं उनका स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ना ही प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, वो सभी को पता है। तो अब सजेशंस में वीडियोस आपके, हालांकि हर एक बहुत चैनल देखने को मिलेंगे आपको एजुकेशन में, बट नोटिस करिएगा उनके चैनल जरूर दिखेंगे, ठीक है। यही यूट्यूब का एल्गोरिथम है। आप यदि किसी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, देखिए यदि वो ट्रेंड में टॉपिक है, बस उस टॉपिक पे अपना टाइटल जो भी है, जो ट्रेंड चल रहा है जिस भी कैटेगरी का, उस टाइटल को लिख डालिए और वीडियो को पब्लिक कर दीजिए, बिना हैशटैग हैशटैग जो भी होता है लफड़ा यूट्यूब का, वो सब एकदम नहीं करिएगा, ठीक है। तो यही सब है, करिएगा, एंड हर एक वीडियोस के नीचे TWA का वीडियो जरूर आएगा RWA के बाद, ठीक है। और RWA का वीडियो देखेंगे तो TWA का वीडियो दिखेगा, एंड यदि आप TWA का वीडियो देखेंगे तो RWA का
देखने को मिलेगा, सजेशन में देखने को मिलेंगे। ट्राई करिएगा एक बार। और आपको बता दें, हालांकि आप सभी को पता है कि अंकित चौधरी सर तो अपने आप में बेस्ट टीचर हैं ही, उनके लिए किसी भी वीडियो से सजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सजेशन की ज़रूरत होती है कई बार जब नए स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि सजेशन से बहुत अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिलते हैं। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, ठीक है, और बहुत बड़ी ये सीक्रेट है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, और किसी भी चैनल को आप देख सकते हैं, यदि आप उसमें रोजगार से रिलेटेड हो या फिर अंकित से रिलेटेड हो, तो उसमें रिस्पॉन्स देखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं इंटरव्यू, सबसे बाय, टेक केयर।